हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्यूटोरियल में हुडी टी शर्ट का पैटर्न बनाएंगे, ऑल पैटर्न बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेजरमेंट चार्ट है, 42 साइज का हमने लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड बैक का पैटर्न बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। टोटल लेंथ लेंगे विथ बॉटम रिब 29 इंच एंड विथ लेंगे 10.5 इंच, जो कि चेस्ट को 4 भाग में डिवाइड करके हमने लिया है। चेस्ट 42 इंच है, रेक्टेंगल बनाते हैं। लेंथ 29 लेंगे एंड विड्थ 10.5 इंच लेंगे। रेक्टेंगल बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम रिब हाइट का ड्रॉ करेंगे। 2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, नेक्स्ट अभी हम नेक विथ का मार्क करेंगे हाफ में। टोटल नेक विथ 9 इंच है, उसे हाफ में 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। रेगुलर शर्ट से हुडी टी शर्ट का नेक थोड़ा ज़्यादा होता है, मार्क करते हैं 4.5 इंच पर। मार्क हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम बैक नेक ड्रॉप का मार्क करेंगे 0.75 इंच पर। अभी एक क्रॉस लाइन खींचेंगे, इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी फ्रंट नेक ड्रॉप का मार्क करेंगे 3.5 इंच पर। अभी एक लाइन खींचेंगे, इसे राउंड शेप देंगे। सिमेट्री एडजस्ट टूल का यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से शेप देने के लिए। नेक सर्कम का ड्रा हो चुका है। नेक्स्ट अभी हम शोल्डर विथ का एंड स्लोप का मार्क करेंगे। शोल्डर विथ 18 इंच है, उसे हाफ में 9 इंच पर मार्क करेंगे एंड स्लोप 1.75 इंच लेंगे। मार्क करते हैं। अभी एक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी हम फ्रंट एंड बैक का आर्मोर का ड्रॉ करेंगे। अभी एक लाइन खींचेंगे आर्मोर स्ट्रेट का, इसे शेप देंगे। उससे पहले अक्रोश फ्रंट एंड बैक का मार्क करेंगे। अक्रोश फ्रंट एंड बैक 16 इंच है, उसे हम हाफ में 8 इंच पर मार्क करेंगे एंड प्लेसमेंट ऊपर से 7 इंच लेंगे। फ्रंट एंड बैक का जो अक्रोश का मेजरमेंट है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट इस लाइन को राउंड शेप देंगे। बैक एंड फ्रंट का पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम बॉटम विथ का ड्रॉ करेंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। बॉटम विथ 36 इंचेस है, उसे 4 भाग में डिवाइड करके 9 इंच पर मार्क करेंगे। बॉटम चेस्ट से थोड़ा कम है बिकॉज यहाँ रिब का यूज होगा, रिब में स्टेच होता है। अभी एक्स्ट्रा लाइन है, उसे कट करेंगे। हाफ पैटर्न बन चुका है। अभी इसे फोल्ड ओपन करेंगे एंड पॉकेट का पैटर्न बनाएंगे।
पॉकेट का जो लेंथ होगा वो 8 इंच रहेगा, 8 इंच पर एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी हम बॉटम की तरफ बोथ साइड पे 7.25 इंच पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी पॉकेट अपर साइड पर 8.5 इंच पर का लाइन ड्रॉ करेंगे, बोथ साइड पे 4.25 इंच पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी बॉटम से ऊपर की तरफ 2.5 इंच का मार्क करेंगे एंड साइड में 1/2 इंच लेंगे। अभी एक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे, ये पॉकेट ओपनिंग का है। इससे हल्का सा शेप देंगे और नेक्स्ट सेम दूसरी तरफ ये शेप लेंगे। नेक्स्ट अभी बैक एंड फ्रंट का पॉकेट को सेपरेट करेंगे एंड मार्जिन ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी बॉटम रिब पैटर्न को सेपरेट करेंगे। सेपरेट हो चुका है, बॉटम रिब 18 इंच है एंड और 18 इंच आगे की तरफ हम लेंगे, ऑल सर्कम पे रहेगा, टोटल 36 इंच रहेगा। नेक्स्ट अभी 2 इंच नीचे की तरफ लेंगे, डबल फोल्ड रहेगा रिब। अभी मार्जिन ऐड करेंगे, रिब का पैटर्न बन चुका है। नेक्स्ट अभी हम पॉकेट का पैटर्न को सेपरेट करेंगे एंड मार्जिन ऐड करेंगे एंड ओपनिंग पर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ऐड करना है।
नेक्स्ट अभी हम स्लीव का पैटर्न बनाएंगे। लेन 24.5 इंच रहेगा विथ रिप के साथ, एंड विथ का विथ लेंगे मसल का 8.5 इंच। रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल बन चुका है। नेक्स्ट अभी रिप का ड्रॉ करेंगे। रिप 2 इंच है, 2 इंच पर एक लाइन खींचेंगे। नेक्स्ट अभी स्लीव ओपनिंग का ड्रॉ करेंगे। स्लीव ओपनिंग 10 इंच है, उसे हाफ पर, हाफ में 5 इंच पर मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी कैप हाइट का ड्रॉ करेंगे 5.5 इंच पर। चेस्ट को 8 भाग में डिवाइड करके हमने 0.25 प्लस किया है कैप हाइट के लिए। नेक्स्ट अभी हम स्लीव सर्कम का ड्रॉ करेंगे। एक क्रॉस लाइन खींचेंगे, अभी इसे शेप देंगे। बैक एंड फ्रंट का सर्कम सेम रहेगा। अभी अननेसेसरी लाइन को डिलीट करेंगे। अभी स्लीव फोल्ड को ओपन करेंगे। स्लीव को पैटर्न को सेपरेट करेंगे, मार्जिन ऐड करेंगे। स्लीव बॉटम रिप को सेपरेट करेंगे, इसे 2 इंच नीचे की तरफ ऐड करेंगे। ये भी डबल फोल्ड रहेगा। नेक्स्ट अभी कंट्रोल ऐप का यूज़ करेंगे ग्रेड पॉइंट हाइड करने के लिए। नेक्स्ट अभी हुड का पैटर्न बनाएंगे। हुड का लेंथ 16 इंच रहेगा एंड विड्थ 10.5 इंच रहेगा। उससे पहले हम नेक का सरकम चेक करते हैं, 11 इंच तक आ रहा है।
हुड का पैटर्न बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे, लेंथ लेंगे 16 इंच एंड विड्थ लेंगे 10 इंच, माइनस 25 हमने किया है वो हम बाद में प्लस करेंगे। रेक्टेंगल बन चुका है, अभी 6 इंच पर एक लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे, ये हुड का विड्थ चेक करने के लिए मिडल पॉइंट पर 0.25 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड कॉर्नर पेस कॉर्नर से आगे की तरफ 3.5 इंच मार्क करेंगे एंड नीचे की तरफ 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच पर एक मार्क करेंगे एंड अंदर की तरफ 0.3 इंच पर मार्क करेंगे। 0.3 इंच हमने लिया है, ये नेक्स्ट सर्कम के अकॉर्डिंग लिया है। अभी एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे शेप देंगे। नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट सर्कम का ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 11.35 लेंगे स्ट्रेट लाइन, इसे जब हम शेप देंगे तब 11.5 तक ये आ जाएगा। नेक्स्ट अभी हम सामने की तरफ एक लाइन खींचेंगे, इसे शेप देंगे। आप देख सकते हैं सामने की तरफ थोड़ा शेप आ रहा है बिकॉज नेक का सरकम ज्यादा होने की वजह से ही आ रहा है। नेक्स्ट अभी 1 इंच पर एक लाइन खींचेंगे ओनली स्टिच लाइन के लिए, यहां से एक स्टिच होगा। नेक्स्ट अभी मार्जिन ऐड करेंगे। नेक्स्ट अभी कोट डोरी डालने के लिए 2.5 इंच पर एक होल का मार्क करेंगे एंड 1/2 इंच पर एक नोच ऐड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा और 1/2 इंच एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। हुड का पैटर्न बन चुका है,
अगर टू कट में हुड रखना है तो सामने की तरफ 1.5 इंच मार्जिन रखना होगा। हम फोर कट बना रहे हैं इसलिए एक दाब मार्जिन काफ़ी है। बैक जाते हैं, नेक्स्ट अभी हुड को चेक करेंगे एंड नो चैट करेंगे। चेक करते हैं, ये जो नोच है यहां से स्टार्ट होगा, ये अभी बैक के ऊपर रख के चेक करेंगे। ओके आ रहा है, नेक्स्ट अभी हुड के अंदर कोट डोरी यूज होगा उसका पैटर्न बनाएंगे। कोट डोरी का यूज कर सकते हैं या नीट का फैब्रिक यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, लेंथ 47 इंच लेंगे एंड विड्थ 1 इंच लेंगे। और एक पैटर्न बनाएंगे हुड जॉइन के बाद, बैक नेक सेंटर में यूज होगा। लेंथ 8 इंच एंड विड्थ 1 इंच रखेंगे। ऑलमोस्ट सभी पैटर्न बन चुके हैं, अभी हम नंबर अप कर देंगे ऑल पार्ट्स को। हुड का ये 10.5 इंच आ रहा है,
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।